हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हाईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो 26 जून की क्लास के लिए तैयार हो जाइए, जहां पर हमें, जैसा कि आपको रोज पता है कि सफर की तरफ चलना है, किसके, करंट अफेयर्स को जानने के लिए, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखना भी है और आपको सिखाना भी है। तो यहाँ पर तैयार हो जाइए, और आपको अपने ही अंदाज में मैं सभी से विश करता हूँ कि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। आइए और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और जैसा कि आपको रोज पता है कि करंट अफेयर्स द वेकअप शो का स्टाइल क्या है, तो जी हाँ, हम न्यूज़ को सेगमेंट्स में सेग्रीगेट करके, सेगमेंट्स में बांटकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट, अग्रीमेंट, देन उसके बाद स्पोर्ट्स की बातें, तमाम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और अंत में हम उसी से जुड़ा हुआ एक क्विज भी आपके सामने पेश करते हैं, मतलब कि सेशन आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो 10 MCQ जो है आपका इंतजार कर रही है, तो पूरा पैकेज है आपके लिए, तैयार रहिएगा इसको लेकर और समय को जाया नहीं करेंगे। अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, और यहां पर हम पहली न्यूज की तरफ भी चलेंगे। नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर की पहली खबर, तस्वीर में अगेन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेटअप 3000 वन धन केंद्र इन्वॉल्विंग 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। सरकार ने देश भर में 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप शामिल करने और 3,000 वन धन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। देखिए, वन धन योजना, वन धन स्कीम जो है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को अनाउंस किया था, लॉन्च किया था बीजापुर छत्तीसगढ़ से, जब B.R. अंबेडकर जी का जन्मदिवस था, जयंती थी, तो वहां से उन्होंने वन धन का मतलब क्या होता है, तो फॉरेस्ट जो है वो किस तरह से धन का उपार्जन कर सकता है ट्राइबल लोगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, उसके ऊपर फोकस करना कि फॉरेस्ट को, जंगलों को नुकसान ना हो, और नॉन ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जो है, हम उसकी तरफ किस तरह से ध्यान रख सके, उसके लिए वंधन केंद्र खोलने की ये बातचीत चल रही है। तो यहां पर वंधन स्कीम और वंधन केंद्र जो है फिर से न्यूज में है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेटअप 3000 वंधन केंद्र इन्वॉल्विंग 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप सेल्फ मतलब आपस में मदद करने के लिए ग्रुप की स्थापना, जहां पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ, इन केंद्रों से धनों की उपार्जन की जा सके और मनी को हम किस तरह से जनरेट कर सके और लाभ कमा सके, उसकी बातचीत करी जाएगी ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए। तो अक्रॉस द कंट्री अंडर द वन धन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो देखिए, वन धन योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और अन अ न्यू गेम चेंजिंग इनिशिएटिव द PM लॉन्च द वन धन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। देखिए, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का एक बॉडी है, ट्राइफेड नाम की बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, TRIFED, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी, जो ट्राइबल अफेयर की एक बॉडी है, और इनके मार्केटिंग का, मतलब ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का काम किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और ट्राइफेड के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने B.R. अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बीजापुर छत्तीसगढ़ से इस योजना की शुरुआत करी थी, जिसका लेटेस्ट न्यूज क्या है कि 3000 वन धन केंद्र जो है उसको ओपन किया जाएगा। अब इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वंधन मिशन क्या है, तो जैसा कि आपको बताया, वंधन मिशन इज एन इनिशिएटिव फॉर टारगेटिंग लाइवलीहुड, की जीविकोपार्जन जो है, जीवन चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो लाइवलीहुड के लिए फॉर ट्राइबल्स, ट्राइबल लोगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, हार्नेसिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। देखिए, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस क्या होते हैं, तो जंगलों के अंदर लकड़ी का उपयोग ना करके, जंगलों को काट के नहीं, मतलब एक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जैसे शहद निकालना हो सकता है उनमें से एक, और भी जंगल के और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जहां से जंगलों को नुकसान ना हो, और जंगलों के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग हो सकती है, जिसका एक ट्रू वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। वंधन का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा,
ट्रू वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वन जो है वो धन का काम जरूर कर सकती है, और इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, ₹2 लाख करोड़ पर ईयर, प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ की आमदनी हो सकती है हमारे इंडिया के वनों से, और ये धन का उपार्जन कर सकती है ट्राइबल लोगों के लिए, और इट शैल प्रमोट एंड लेवरेज द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइबल टू अचीव स्केल। और ये स्केल ट्राइबल लोग कैसे अचीव करेंगे, तो थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट आल्सो एम्स एट बिल्ड अपॉन द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट्स ऑफ ट्राइबल्स बाय एडिंग टेक्नोलॉजी एंड आईटी फॉर वैल्यू एडिशन। यहाँ पे जो ट्राइबल लोगों का एक ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको और इजाफा कैसे मिलेगा, जब आईटी और टेक्नोलॉजी को उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। देन फर्दर इट इज टू सेटअप ट्राइबल कम्युनिटी ओन्ड बाय वन धन विकास केंद्र इज प्रीडोमिनेंटली फॉरेस्टेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो ट्राइबल जिलों के अंदर यहाँ पर वन धन केंद्र जो है उसको खोला जाएगा। अ केंद्र शैल कंस्टिट्यूट ऑफ 10 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक केंद्र के अंदर 10 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेंगे, और ईच कंप्राइजिंग ऑफ अप टू 30 ट्राइबल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गैदरर्स और आर्टिसंस जो यहाँ पर शिल्पकार होंगे वो वहां पर वहां से गैदर करेंगे उन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को। दैट इज अबाउट 300 बेनिफिशियरीज पर केंद्र। तो एक केंद्र से 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से 300 लाभार्थी जो है, बेनिफिशियरीज जो है उनको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, चलिए तो जरूर यहां पर आपकी बात को जरूर मद्देनजर रखा जाएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगा, छोटा सा ब्रेक, और तुरंत हाजिर होता हूँ आपके सामने, तुरंत आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का नाम, करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में जल्द से बताइएगा, और यहां पर हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और नेशनल न्यूज की दूसरी खबर, 3-डे एनुअल सिंधु दर्शन फेस्टिवल बिगिंस इन लद्दाख रीजन। तो 3 दिवसीय वार्षिक सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में शुरू हुआ। सिंधु दर्शन मतलब सिंधु इज अ नेम ऑफ अ रिवर जिसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। तो इंडस दर्शन जो है फेस्टिवल लद्दाख में शुरू हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल या इंडस फेस्टिवल जो है वो कहां पर मनाया जाएगा या मनाया गया। तो योर आंसर वुड बी लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द 3-डे एनुअल सिंधु दर्शन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर स्टार्टेड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंधु दर्शन यात्रा समिति एंड लद्दाख फंडे सोगस्पा ले। इट विल बी मार्क्ड बाय द होली डिप इन द इंडस रिवर की डुबकी लगाइए इंडस रिवर के अंदर, सिंधु रिवर के अंदर जो एक पवित्र नदी है। होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग और राष्ट्रीय झंडे को यहां पर होस्ट किया जाएगा एंड कल्चरल प्रोग्राम यहां पर किए जाएंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। दिस ईयर मार्क द 22nd सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ये 22वां सिंधु दर्शन फेस्टिवल है और ये स्टार्ट किन के द्वारा किया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा किया गया था 1997 में जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उप प्रधानमंत्री थे भारत के। हम आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ और अगला न्यूज ये रहा आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय खबर इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया एंड बांग्लादेश नेवीज। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना एग्री टू इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। भारत और बांग्लादेश नौसेना के बीच वार्षिक सुविधा के रूप में एक समन्वित पेट्रोल कॉर्पोरेट स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। देखिए भारत और बांग्लादेश की जो नेवी है एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करेगी। तो देखिए कोऑर्डिनेटेड का COR उठाया गया है और पेट्रोल का PAT, तो उसको कंबाइंड जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इंडो बांग्लादेश कॉर्पेट, COR PAT कॉर्पेट। कॉर्पेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, जांच परख करना, पहरा देना और वॉच करना। मतलब नौसेना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इंडिया और बांग्लादेश जो है अपने नौ सैनिकों का अभ्यास करवाएगी। हमारे इंडियन नेवल शिप्स जो है वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे अलोंग विद बांग्लादेशी नेवल शिप, और इस तरह से बे ऑफ बंगाल हमारा जो सामुद्रिक एक बॉर्डर है
उसकी रक्षा करने का काम जो है ये कॉर्पेट करेगा, ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करेगा। तो इंडिया एंड बांग्लादेश नेवीज एग्री टू इंस्टीट्यूट अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एज एन एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन बोथ द नेवीज। द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉर्पेट विल बी इनॉग्रेटेड बाय नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा के द्वारा। पहला एडिशन जो है जो अभी होने जा रहा है 27 से 29 जून, इसको उद्घाटन किया 27 से 29 जून, फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसका उद्घाटन इनॉग्रेशन किन्होंने किया, एडमिरल सुनील लांबा जी ने, जो अभी विजिट पे है बांग्लादेश की 24 जून से 29 जून। द विजिट इज एम्ड एट कंसोलिडेटिंग बायलेटरल डिफेंस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज फॉर नेवल कोऑपरेशन। तो यहां पर नौसेना का सहयोग जो है उसके नए रास्ते खोजे जाएंगे इस कॉर्पेट के माध्यम से, और नौसेना का पहला संयुक्त अभ्यास कॉर्पेट के माध्यम से इंडिया बांग्लादेश के बीच में कब से कब होगा, तो फर्स्ट एडिशन 27 जून से 29 जून होगा। 4 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, 2 फ्रॉम द बांग्लादेश नेवी, 2 फ्रॉम द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द कॉर्पेट। तो हमारा जो मैरीटाइम सामुद्रिक एयरक्राफ्ट है, 2 बांग्लादेश की तरफ से, 2 भारत की तरफ से भागीदारी करेंगे। 4 फ्रिगेट्स जो है, फ्रिगेट्स एक काइंड का बेड़ा होता है, वो भी 2 बांग्लादेश की तरफ से और 2 इंडिया की तरफ से, 2 फ्रॉम द बांग्लादेश नेवी, नेमली BNS अबूबकर एंड BNS धारेश्वरी, और इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी, नेमली INS सतपुरा और INS कदमत जो है वो ज्वाइन करेंगे कॉर्पेट एक्सरसाइज को। तो यहां पर आपके कमेंट्स ले लिए जाए, और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और ज्वाल ओराम इज द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ज्वाल ओराम इज द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। और इसी के साथ आप बांग्लादेश का भी क्विक फैक्ट्स बता रहे हैं, तो बहुत खूब। तो बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम क्या है वो जरूर बताइएगा, हम बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइएगा। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, अग्रीमेंट के न्यूज की तरफ, समझौते की तरफ। सेशेल्स प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, लिस्ट ऑफ MOUs साइंड। सेशेल के राष्ट्रपति जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं डेनी फौरे जो है वो भारत यात्रा पर, और हस्ताक्षर किए गए MOU की सूची जो है वो अगले स्लाइड्स के ऊपर है। तो यहां पर एक सामरिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया भारत की तरफ से। जब आपको कुछ एपिसोड पहले ये बताया था मैंने कि भारत और सेशेल्स के मध्य जो 20 सालों का एक समझौता हुआ था, 20 ईयर्स अग्रीमेंट हुआ था, कि अजम्पशन आइलैंड ऑफ सेशेल, सेशेल के अजम्पशन द्वीप के ऊपर भारत नौसेना का, नेवी का एक बेस बनाना चाहता है, लेकिन चाइना के प्रेशर में आने के बाद सेशेल्स ने इनकार कर दिया था भारत की भागीदारी को। तो यहां पर सेशेल के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी और MOU भी साइन किया। तो कहीं ना कहीं अजम्पशन आइलैंड को लेकर भी बात हुई होगी, और आने वाले टाइम में इसका असर जो है वो देखने को जरूर मिलेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। सेशेल्स प्रेसिडेंट डेनी फौरे इज ऑन हिज फर्स्ट बायलेटरल विजिट टू इंडिया, इनका पहला द्विपक्षीय यात्रा था भारत का। ही हेल्ड द टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रिव्यूड द वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इंक्लूडिंग द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो उसके अलावा उन्होंने मेन मुद्दा क्या रखा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत जो है सहयोग करे सेशेल्स का, इसकी अपेक्षा लेकर डेनी फौरे जो है वो भारत पधारे और हमारे प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी। तो अब हम करते हैं MOUs जो साइन किए गए हैं, MOU signed between the two countries. तो memorandum of understanding between India and Seychelles regarding India grant assistance for the implementation of small development projects through local bodies, educational and vocational institutions. तो सबसे पहला Indian grant assistance, grant मतलब बहुत बड़ा, assistance का मतलब मदद, help. तो India की तरफ से वहां के educational, local और vocational institution को एक बहुत बड़ा दान दिया जाएगा। Then twinning agreement, दो agreement, जुड़वा agreement on establishment of friendship and cooperation between corporation of city of पणजी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द सिटी ऑफ विक्टोरिया ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल। तो भारत का पणजी मतलब गोवा की कैपिटल पणजी और सेशेल्स की कैपिटल विक्टोरिया जो है ट्विनिंग एग्रीमेंट में आया है कि वो एक दूसरे शहरों का एक विकास करेंगे। तो यहां पर हमारे इंडिया से पूछा जा सकता है कि भारत और सेशेल्स के मध्य में जो समझौता हुआ है वो भारत के किस शहर के साथ सेशेल ने समझौता किया, तो योर आंसर वुड बी गोवा की कैपिटल पणजी। देन MOU between Indian Computer Emergency Response Team CERT in Ministry of Electronics and IT India and the Department of IT of Seychelles on
कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सुरक्षा की फील्ड में भारत का आईटी सेक्टर और सेशेल का आईटी सेक्टर जो है वो एक समझौते में आया है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, सांस्कृतिक एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन सेशेल्स एंड इंडिया 2018 टू 2022 जो है वो टारगेट रखा गया है। टेक्निकल अग्रीमेंट ऑन शेयरिंग व्हाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द नेशनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ सेशेल्स। तो जो एक सी रूट है हमारा, समुद्र का जो रास्ता है, वहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो भी दोनों देशों के मध्य जो है वो किया जाएगा। इसके साथ लास्ट एमओयू बिटवीन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ सेशेल्स। तो भारत का विदेशी विभाग और सेशेल का विदेशी विभाग जो है वो भी एक समझौते में आया है, जहां पर वो एक दूसरे की सेवा जो है उसका आदान प्रदान कर सके। अबाउट सेशेल, सेशेल के प्रेसिडेंट का नाम तो आपको पता लग गया, डेनी फॉरे। सेशेल की कैपिटल इज विक्टोरिया और करेंसी जो है सेशेलियस रूपी। और सेशेल्स जो है एक छोटा सा द्वीप है, अफ्रीका के ठीक दाएं साइड में एक छोटा सा आइलैंड है सेशेल्स। और इसी के साथ हम अगली खबर की तरफ चलते हैं और आपका एक आंसर भी ले लेते हैं। और यहां पर आप सभी का आंसर जो है वो आना शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल सही, जतिया सांसद इज द करेक्ट आंसर। जतिया सांसद इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, बांग्लादेश की संसद का नाम पूछा था और आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आया है। और वो आंसर क्या है, जतिया सांसद इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अग्रीमेंट की तरफ। सऊदी अरमाको और एडनॉक साइंड एमओयू फॉर रिफाइनरी प्रोजेक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सऊदी अरमाको और एडनॉक ने महाराष्ट्र की रिफाइनरी परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो सऊदी की दो कंपनीज अरमाको और एडनॉक नाम की कंपनी जो है, उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाने की बात करी और इसके लिए समझौता किया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, जब आपको पूरा हेडलाइन देकर पूछा जा सकता है कि बताइए सऊदी अरमाको और एडनॉक कंपनी के द्वारा भारत के किस क्षेत्र में और भारत के किस राज्य के किस क्षेत्र के अंदर एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, एमओयू साइन किया गया है। तो आपका आंसर हो सकता है रत्नागिरी, महाराष्ट्र। देन सऊदी अरमाको एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एडनॉक का फुल फॉर्म क्या है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, हैव साइंड अ एमओयू टू ज्वाइंटली डेवलप एंड बिल्ड एन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट रत्नागिरी, महाराष्ट्र। The MOU was signed by Amin H. Nasir, Saudi Aramco President and CEO, and Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO. तो वहां के CEO दोनों companies के chairman. और earlier Saudi Aramco has joined the Ratnagiri Refinery Project by signing an MOU with the Indian Consortium in April 2018 on the sidelines of the 16th International Energy Forum Ministerial. तो उसकी शुरुआत जो है अप्रैल में हो गई थी, जहां पर एक कंसोर्टियम बनाया गया था और अब जाकर उस एमओयू पर साइन किया गया है। और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम मिनिस्टीरियल मीटिंग के दौरान इसकी घोषणा की जा चुकी थी, जिसका कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन जो है अब जाकर हुआ है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का पूछा जा सकता है, सीधा हेडलाइंस देकर पूछ सकते हैं कि बताइए भारत के किस एरिया में सऊदी की इन दो कंपनीज के द्वारा रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर एमओयू साइन किया गया है। तो आपका आंसर हो सकता है रत्नागिरी, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ और अबाउट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की डिटेलिंग कर लेते हैं और यहां पर बिल्कुल सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद, करेंसी इज सऊदी रियाल। कैपिटल इज रियाद और करेंसी इज रियाल। अपॉइंटमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रेसिडेंट तैयिप एर्दोगन रिटर्न्स टू पावर इन तुर्की। तो तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, तैयिप एर्दोगन की पार्टी को मिली जीत और एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे तैयिप एर्दोगन जो है वो तुर्की के, और जिसे हम हिंदी में तुर्की बोलते हैं, उनके दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं और यहां पर प्रेसिडेंट रेसिप तैयिप एर्दोगन जो है वो दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं तुर्की के। तो जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में तुर्की की कैपिटल और तुर्की की करेंसी जो है उसे जल्द से जल्द लिखिएगा। हम इसी के साथ इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेसिडेंट रेसिप तैयिप एर्दोगन वॉन अ न्यू 5-year टर्म आफ्टर सिक्योरिंग आउटराइट विक्ट्री इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टर्की प्रेसिडेंशियल पोल।
Erdogan received the absolute majority of all valid votes with 99% of votes counted. Erdogan won 53%. तो 99% वोट हुआ जिसमें से 53% जो है वो किनको मिला, एर्दोगन को मिला, और उनके क्लोजेस्ट राइवल जो थे, प्रतिद्वंदी जो थे, मुहर्रिम इंस जो है उनको 31% वोट मिला. द फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन जून 29, 2018. और फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, 29 जून को. और ये तय है कि तैयब एर्दोगन जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति बनेंगे. और इसी के साथ बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर जो है, तुर्की की कैपिटल इज अंकारा, लार्जेस्ट सिटी इज इस्तांबुल, ऑफिशियल लैंग्वेज इज टर्किश और करेंसी इज लीरा. तो बहुत खूब आप सभी का उत्तर जो है यहां पर आ चुका है. और कैपिटल इज अंकारा, लार्जेस्ट सिटी जरूर इस्तांबुल है, कैपिटल नहीं है इस्तांबुल, कैपिटल इज अंकारा और ऑफिशियल लैंग्वेज इज टर्किश और करेंसी इज टर्किश लीरा. आगे चलते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ. AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी अभी थोड़े दिन पहले ही मीटिंग हुई है मुंबई के अंदर, थर्ड एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज हेल्ड इन मुंबई. तो यहां पर AIIB ने टू इन्वेस्ट $200 मिलियन इंटू NIIF टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. AIIB बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए NIIF में $200 मिलियन का निवेश करेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया की एक बॉडी है NIIF, तो इसके अंदर $200 मिलियन का निवेश जो है वो AIIB के द्वारा किया जाएगा और भारत के अंदर जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और स्ट्रांग बनाया जाएगा. तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ $200 मिलियन इन इंडियाज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो देखिए NIIF इंडिया की एक बॉडी है, एक संस्था है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंदर 49% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 51% शेयर जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स का है. तो ये एक अनूठा हमारे इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और गवर्नमेंट तीनों को मिलाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अनूठा मिसाल है NIIF, जिसको AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $200 मिलियन का एक कर्जा दिया है, एक निवेश किया है, जहां पर $100 मिलियन जो है वो अभी खर्चा किया जाएगा और $100 मिलियन जो है वो फ्यूचर में इंडिया के इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा. इसी के साथ इंडियाज लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ AIIB सो फार अप्रूव 4.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 25 प्रोजेक्ट्स. और इंडिया जो है AIIB के मोर देन 80 मेंबर्स हैं, उसमें से इंडिया सबसे बड़ा रेसिपियंट, मतलब पैसा प्राप्तकर्ता जो है AIIB के द्वारा, वो सबसे ज्यादा इंडिया का है. ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट 1.2 बिलियन हैव बीन अप्रूव्ड फॉर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. और इंडिया के 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1.2 बिलियन का खर्चा, मेकिंग इट लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द मल्टीलेटरल एजेंसी. और इस मल्टीलेटरल एजेंसी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है, रेसिपियंट कौन है, तो भारत. अबाउट AIIB इज चाइना लेड मल्टीलेटरल. मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुत सारे देश जब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. तो सेटअप इन 2016, 83 मेंबर नेशंस हैं. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB आफ्टर चाइना. चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर. इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग चाइना में. और इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, लिकन जिन. तो ये क्विक फैक्ट्स अबाउट AIIB, वेरी इंपॉर्टेंट. हम आगे चलते हैं अवार्ड्स पुरस्कार की तरफ. आईफा अवार्ड जो है उसे अनाउंस कर दिया गया है. कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स, इंपॉर्टेंट कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स जो है आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा. तो आईफा पुरस्कार 2018 की घोषणा हो चुकी है, जो कुछ दिन के बाद आपको टीवी पर भी दिखाया जाएगा. तो एट द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स. तो मेरा मानना है कि अगर फिल्मी अवार्ड्स कर रहे हैं आप, तो नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा ही करना जरूरी है. और उसमें भी तीन चार कैटेगरी, एक्टर, एक्ट्रेसेस, बेस्ट मूवी, डायरेक्टर, इस तरह के तीन चार कैटेगरीज करने जरूरी हैं. सभी अवार्ड्स करने जरूरी नहीं है जो आप टीवी पे देखते हो, चाहे वो पान पराग मसाला अवार्ड हो, जी सिने अवार्ड हो या सनसुई अवार्ड हो, कोई भी इस तरह के अवार्ड जो हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं हमारे टीवी के ऊपर, उसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. इंडिया में फिल्मों और एंटरटेनमेंट की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे ऊपर, देन फिल्म फेयर और थर्ड नंबर पे आईफा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं. तो इंडियन इंटरनेशनल
फिल्म अवार्ड्स आईफा, लेट स्टार श्रीदेवी वॉन बेस्ट एक्ट्रेस पोस्थमसली, मरणोपरांत उनको बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मॉम मूवी के लिए, मॉम मूवी। वाइल इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेहतरीन अभिनेता का अवार्ड, किस मूवी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। अवार्ड सेरेमनी कहां पर हुआ, बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में ये अवार्ड सेरेमनी को होस्ट किया गया। विद्या बालन की मूवी तुम्हारी सुलु को बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी दी गई। तो बेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी, बेस्ट एक्टर इरफान खान, बेस्ट मूवी तुम्हारी सुलु, ये आईफा हुआ कहां पर, बैंकॉक में। करण जौहर और रितेश देशमुख ने इस प्रोग्राम की मेजबानी करी, होस्ट करी। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, मेहर विज सीक्रेट सुपरस्टार, बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें उस लड़की की माँ का रोल प्ले किया था मेहर विज ने, उनको सपोर्टिंग रोल का एक खिताब दिया गया। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मॉम मूवी में बहुत अच्छा जासूस की भूमिका इन्होंने निभाई थी। देन बेस्ट डायरेक्टर साकेत चौधरी, हिंदी मीडियम, बहुत ही बेहतरीन मूवी, आप सभी को देखनी चाहिए ये मूवी। देन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा, तो ये अवार्ड किनको दिया गया, अनुपम खेर को, मतलब भारतीय सिनेमा के अंदर उल्लेखनीय योगदान के लिए अनुपम खेर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आईफा के अंदर, अनुपम खेर। देन अवार्ड की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड के अंदर फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अवार्डेड एट एक्स इंटरनेशनल आईटी फोरम इन रशिया। तो आईटी फोरम इन रशिया जो है उनके अंदर फिक्की को अवार्ड मिला, तो रूस में एक्स अंतरराष्ट्रीय आईटी फोरम में एक आईटी मंच के दौरान फिक्की को पुरस्कृत किया गया। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग विद सेवरल इंडस्ट्री मेंबर्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अकेडमिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एक्स इंटरनेशनल आईटी फोरम एट खांटी मानिस्क रशिया। फिक्की रिसीव्ड एन अवार्ड ड्यूरिंग द इवेंट फॉर इट्स सपोर्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन एट द फोरम कंसेक्यूटिवली फॉर 2 years, तो 2 सालों के लिए बिल्कुल निरंतर पार्टिसिपेशन के लिए अवार्ड दिया गया। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रशिया के अंदर आयोजित एक्स इंटरनेशनल आईटी फोरम के अंदर किस भारतीय संस्था को अवार्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया, तो योर आंसर वुड बी फिक्की। और फिक्की के बारे में जान लेते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1927, फिक्की इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिक्की ये जीडी बिरला जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी इन 1927। दिलीप चिनॉय इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडस्ट्री बॉडी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल कौन है, दिलीप चिनॉय। आगे चलते हैं और स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ चलते हैं, मतलब अंतिम कैटेगरीज की तरफ हम हैं, उसके बाद 10 questions क्विज के तौर पर आपका इंतजार कर रही है। तो इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके। मनदीप जांगड़ा, स्पोर्ट्स की खबर, मनदीप जांगड़ा वॉन गोल्ड एट उलान बटार कप। मनदीप जांगड़ा ने उलान बटार जो कैपिटल है मंगोलिया की, वहां पर बॉक्सिंग कप हुआ उलान बटार कप के नाम से। मनदीप जांगड़ा जो एक इंडियन बॉक्सर है उन्होंने यहां पर इस कप को जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो मनदीप जांगड़ा हैज वॉन द बॉक्सिंग गोल्ड एट द उलान बटार कप 2018 इन मंगोलिया। द इंडियन कंटिजेंट अमास्ड अ टोटल ऑफ 9 medals, 1 gold, 4 silver and 4 bronze medal। 9 medals जीते जिसमें से सिर्फ 1 gold medal जीता, इसी वजह से मनदीप जांगड़ा का नाम इंपॉर्टेंट। हिमांशु शर्मा एंड सोनिया लाथर वॉन द सिल्वर मेडल इन दियर रिस्पेक्टिव इवेंट्स। तो हिमांशु शर्मा और सोनिया लाथर का नाम भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम 1 gold medal मनदीप जांगड़ा, जिन्होंने उलान बटार द कैपिटल ऑफ मंगोलिया वहां पर उस कप को जीता, गोल्ड मेडल को जीता। देन स्पोर्ट्स की खबर, आर्चर दीपिका कुमारी विंस गोल्ड एट सॉल्ट लेक वर्ल्ड कप। सॉल्ट लेक विश्व कप में आर्चर दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। तो दीपिका कुमारी झारखंड की बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 भी, और ये बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज है, तीरंदाज, आर्चर मतलब तीरंदाज, और इन्होंने सॉल्ट लेक विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता और उसको जीता है। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं, आर्चर दीपिका कुमारी वॉन हर फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड इन 6 years at the Salt Lake World Cup in USA. She defeated Germany's Michelle Kroppen in the recurve final. तो recurve नाम का एक competition होता है और उसके final में जर्मनी की प्लेयर को हराया, और ये सॉल्ट लेक कहां पर, यूएसए के अंदर ये कंपटीशन हुआ। और आपको क्या याद रखना है, सॉल्ट लेक वर्ल्ड कप आर्चरी टूर्नामेंट किसने जीता इंडिया की तरफ से, दीपिका
कुमारी ने। देन इसी खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं। वर्ल्ड्स आर्चरी हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन मैसॉन डू स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इन द ओलंपिक कैपिटल ऑफ लुसाने स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड आर्चरी वॉज फाउंडेड ऑन 4 सितंबर 1931 इन लवाव पोलैंड, नाउ नोन एज लवीव यूक्रेन। तो ये कहां पर फाउंड किया गया था? दैट टाइम पोलैंड हुआ करता था 1931 में, लेकिन आज की डेट में से लवीव के नाम से जाना जाता है जो यूक्रेन में है इन 1931। डेज की बात करें तो आज इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? आज के दिन 26 जून, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून। तो ड्रग दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है, मतलब आज ही के दिन 26 जून। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो बाय रेजोल्यूशन 42/112 ऑफ 7 दिसंबर 1987 द जनरल असेंबली डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जून एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन टू स्ट्रेंथन एक्शन एंड कोऑपरेशन टू अचीव द गोल ऑफ एन इंटरनेशनल सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग अब्यूज। तो यूएनओ के जनरल असेंबली में 87 में इस रेजोल्यूशन को अपनाया गया था कि किस तरह से ड्रग्स का, मतलब जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं उसका दुरुपयोग रोका जा सके और इसकी अवैध तस्करी रोकी जा सके और समाज को मजबूत बनाया जा सके, उसको लेकर यूएन जनरल असेंबली 87 में इसको अडॉप्ट कर चुका है। और इस साल का थीम क्या है? लिसन फर्स्ट, लिसनिंग टू चिल्ड्रन एंड यूथ इज द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प देम ग्रो हेल्दी एंड सेफ। मतलब आजकल बच्चों और युवाओं को सबसे पहले सुनिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और उनको मजबूत बनाने की कोशिश करिए, जहां पर वो अकेलेपन का शिकार होकर ड्रग्स की तरफ ना जा सके। मतलब उनकी भावनाओं को भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। देन न्यूज फ्लैश, डे ऑफ द सी फेयर 2018 ऑब्जर्व बाय IMO। तो डे और 25 जून यस्टरडे कौन सा डे मनाया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? डे ऑफ द सी फेयरर। तो सी फेयरर किसको कहा जाता है? जो समुद्र की यात्रा पर जाते हैं या समुद्र के अंदर जो काम करते हैं, शिप्स के ऊपर जो काम करते हैं, उनको सी फेयरर कहा जाता है। सेलर्स को हम बेसिकली सी फेयरर्स कहते हैं। तो डे ऑफ द सी फेयरर 2016 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 25 जून और इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू थैंक द सी फेयरर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी एंड सिविल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। और आप किस तरह से एक सभ्य समाज को फायदा पहुंचाते हैं और किस तरह से आप आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाते हैं देश को, इकोनॉमी के तौर पर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सी फेयरर्स को। 25 जून को ये डे मनाया जाता है। थीम क्या रखा है? सी फेयरर्स वेलबींग। तो अगर जो हमारे को फायदा पहुंचाते हैं वो हमेशा अच्छे रहे, वेलबींग रहे उनका, ये थीम रखा गया 2018 का। इसी के साथ बढ़ चलते हैं कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज की तरफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सऊदी अरमाको एंड एडनॉक साइंड अ MOU टू जॉइंटली डेवलप अ रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स एट डैश महाराष्ट्र। सऊदी अरमाको और एडनॉक ने डैश रिक्त स्थान को फिल करिएगा, महाराष्ट्र के किस जगह पर एक रिफाइनरी परिसर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और फर्स्ट क्वेश्चन का, चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और हरजोत कौर संधु, प्रांजल जायसवाल, कौमिला हीर, निभाष महाली, कौशल लोलारी, सीमा वर्मा, योगेश, शिवालिका, संजू, जाकिर, योगिता, भूपिंदर, कौमिला, तपन, भूपिंदर, आप सभी का, कीर्ति, और आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज रत्नागिरी, महाराष्ट्र, डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द 3-day एनुअल 22nd सिंधु दर्शन फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। 3-दिवसीय वार्षिक 22वें सिंधु दर्शन महोत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाएगा? तो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस नदी के किनारे मनाया जाएगा। और इसी के साथ शिवानी शर्मा, श्वेता, जयराम, चाहत, अवे, बनवारी, कैलाश साहू, हरजिंदर सिंह, हीर, नवल किशोर, दीपक रजक, प्रांजल जायसवाल, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। और सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर भी आना शुरू हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज इंडस। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस ही बोलते हैं और इसी से इंडिया जो नाम पड़ा है, इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा है। तो ये एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर इंडिया का भी फुल फॉर्म बता दिया जाता है कि इंडिया नेशन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन ऑगस्ट। ये गलत एक इंफॉर्मेशन है, एब्रीवेशन गलत इंफॉर्मेशन है। इंडिया का नाम कोई एब्रीवेशन नहीं है, इंडिया का
फुल फॉर्म जो है वो कोई नहीं है, इंडिया का नाम इंडस रिवर से पड़ा और इंडिया पड़ा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड के क्वेश्चन के ऊपर, विच सिटी इज होस्टिंग द फोर्थ नेशनल रिव्यू एंड कंसल्टेशन ऑन स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, कौन सा शहर स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों पर चौथी राष्ट्रीय समीक्षा और परामर्श की मेजबानी कर रहा है। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का मेजबानी जो है वो किस सिटी ने किया, वो आपको आंसर देना है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन का त्रिलोक सिंह, संजू मीना, श्वेता शर्मा, हरजिंदर सिंह, राहुल रावत, जावेद बांका, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। बनवारी लाल मरमत, राहुल रावत, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और इसी के साथ जयराम दौरा भी हमारे साथ जुड़ सके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जो एक सही उत्तर है वो जल्द से जल्द दीजिएगा, और बहुत खूब। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, हैदराबाद। फोर्थ क्वेश्चन, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड 2018। तो आईफा में बेस्ट मूवी का अवार्ड, फिल्म का अवार्ड, पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और यहां पर बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे हैं और फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर भी इसी तरह से आना चाहिए। और इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सके। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी स्टूडेंट्स की तरफ से आना शुरू हो चुका है, और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का, तुम्हारी सुलू इज द करेक्ट आंसर, विद्या बालन इस मूवी में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी करी थी। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, तुर्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा। और बहुत खूब, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, जाकिर रहमान, नेहा, जयराम, शक्ति, प्रेमिला, अवे, दीपक, नवल, बनवारी, चाहत, संजुक्ता, कैलाश, शिवानी, भूपिंदर, कौशल, तपन, प्रबलीन कौर, असगर खान, आप सभी का बेहतरीन पार्टिसिपेशन यहां पर। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा जल्द से जल्द। और इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आना शुरू हो चुका है, और बहुत ही सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का, हरजोत कौर संधू, शिवालिका, कौमिला हीर, कौशल, ज्योति रंजन, परिदा, सीमा वर्मा, प्रवलीन, भूपिंदर, राहुल रावत, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही, तईब एर्दोगन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। सिक्स क्वेश्चन, हु हैज वॉन द बॉक्सिंग गोल्ड एट उलान बटार कप 2018 इन मंगोलिया, तो मंगोलिया में उलान बटार कप 2018 में मुक्केबाजी में स्वर्ण किसने जीता है, तो जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, चार क्वेश्चंस और रह गए हैं, और उसके साथ आज के शो का हम अंत करेंगे। और बहुत बढ़िया, यहां पर प्रिंस प्रीत रॉकस्टार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, चाहत, जय सिंह, प्रबलीन, त्रिलोक, श्वेता, बनवारी, निभाष महाली, बहुत बढ़िया, ज्योति रंजन, जयराम दौरा, और छठे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर मनदीप जांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन की तरफ, हु हैज वॉन हर फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन सिक्स इयर्स एट द सॉल्ट लेक वर्ल्ड कप, तो सॉल्ट लेक विश्व कप में छह वर्षों में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है, वो भी आर्चरी गेम के अंदर, तीरंदाजी गेम के अंदर। सॉल्ट लेक वर्ल्ड कप रिलेटेड टू विच गेम, आर्चरी गेम, तीरंदाजी गेम, तो सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और यहां पे मनदीप जांगड़ा वाज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बलेश्वर उरांव, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर। और इसी के साथ सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही उत्तर दीपिका कुमारी इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन और आठवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये रहा आठवां क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, तो आईफा अवार्ड के अंदर 2018 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आठवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें। और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, और एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली श्रीदेवी इज द करेक्ट आंसर, पोस्थमसली मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया, नेशनल फिल्म अवार्ड में भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड श्रीदेवी जी को ही मिला था। और नौवें क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं, और नाइन क्वेश्चन, हु वॉन द हेले ओपन 2018 किसने जीता, हेले ओपन रिलेटेड टू टेनिस टूर्नामेंट, और ये मुकाबला अभी कल ही हुआ है, मतलब यस्टरडे ये मुकाबला हुआ, और इन्होंने एक बड़े प्लेयर को चुकाया, और किसने हेले ओपन 2018 टेनिस टूर्नामेंट को जीता, तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हेले ओपन 2018 टूर्नामेंट को किसने जीता है, और ये टूर्नामेंट रिलेटेड टू टेनिस, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए अब आप सभी के द्वारा। और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन, सूरजक, विभार, सुशील, गायक, बहुत बढ़िया।
और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन। और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के द्वारा आ चुका है, बोर्ना शौरिक, बोर्ना शौरिक या बोर्ना कौरिक इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, ये क्रोशिया के प्लेयर है बोर्ना कौरिक, और इन्होंने रॉजर फेडरर को हराया फाइनल मुकाबले में और हेले ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 को जीता। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इट्स विच नेबरिंग कंट्री। नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट भारत और उसके किस पड़ोसी देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो दसवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और बहुत खूब यहां पर आप सभी का पार्टिसिपेशन। और इसी के साथ अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, शुभम कुमार, असगर खान, चाहत, शक्ति, श्वेता, संजुक्ता, हरजोत कौर संधु, कैलाश साहू, हरजिंदर, बलेश्वर, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। और दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आप सभी के द्वारा आ चुका है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने न्यूज किया, न्यूज को डिटेल में समझा और 10 MCQ के माध्यम से आज के सेशन को और भी अच्छे से रिवाइज किया हमने। तो इसी के साथ हमारा ये शो जो है आज खत्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ मोटिवेशनल कोट भी आपके सामने, समटाइम्स गॉड डजंट चेंज योर सिचुएशन बिकॉज ही इज ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट। तो कई बार जो भगवान की रजा जो है वो कुछ और होती है और वो आपकी स्थिति और परिस्थिति को नहीं बदलते हैं जबकि वो आपके दिल को बदलना चाहते हैं। तो यहां पर भगवान की रजा को भी समझने की कोशिश करिएगा, मतलब आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिसमें भी आपका यकीन हो, आप उनकी रजा को भी समझने की कोशिश करिएगा और अपनी स्थिति पर रोइएगा मत और सोचिएगा यही कि उनकी रजा जो है वो कुछ और है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।